चीन के वुहान में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच औपचारिक मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नए पंख लग गए हैं। दोनों देशों के बीच दोबारा से डोकलाम जैसे हालात ना बने, इसलिए सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। डोकलाम विवाद के बाद जहां पहली बार चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है, वहीं अब समुद्री सीमा पर आपसी तालमेल के लिए भारत चीन से डायरेक्ट डील के मूड में है। थल सेना के बाद अब समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी भारत चीन से विस्तृत बात करना चाहता है। भारत का ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सिर्फ 2016 में एक बार ही आमने सामने बात हुई है। बदलते रिश्तों के बीच भारत ने पहल करते हुए इस मुद्दे पर चीन से बात करने की पहल की है। खास बात यह है कि चीन ने भी भारत के इस प्रस्ताव को रजामंदी दे दी है। खबर के अनुसार भारत चीन समुद्री सुरक्षा वार्ता का पहला चरण दोनों देशों के संयुक्त सचिवों की अगुवाई में होगा। माना जा रहा है कि जल्द ही चीन के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आएंगे, तब इस वार्ता के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार भारत इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र में अपनी नीति के तहत ही चीन के साथ वार्ता की शुरुआत करेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में इस मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा था। मोदी के इस प्रस्ताव की प्रशंसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत चीन ने भी की थी। खास बात यह है कि चीन के साथ ही भारत रूस के साथ भी इस तरह की वार्ता करने की तैयारी कर रहा है। रूस के साथ समुद्री सुरक्षा पर पहली बार बातचीत होगी।